अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। आई वेलकम वंस अगेन टू यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट। सो गाइस, यहां पे हम जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जितने भी क्वेश्चन 2014 से लेकर 2023 तक पूछे गए, उनकी यहां पे सीरीज जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने 205 क्वेश्चन नंबर तक 15 पार्ट्स में डिस्कस कर रखे हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो। और यहाँ से हम इस वीडियो में 206 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलते हैं। Question number 206 of the series is hot, dry and oppressing winds blowing in the northern plains from Punjab to Bihar, subtropical regions of Jammu are called. यहाँ पे जो hot and dry air होता है, winds होते हैं जो northern plains of Punjab और बिहार में, यहाँ पे जो है winds होते हैं summers में flow होते हैं, और subtropical regions of Jammu में भी यहाँ पे जो ये hot and dry air होता है in summers, तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, options are norwester, ऑप्शन बी इज कलबा साकी, ऑप्शन सी इज मैंगो शावर, ऑप्शन डी इज लू। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लू। लू इज स्लो एंड हॉट मूविंग एयर इज कॉल्ड लू। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207 इज अमरनाथ पिलग्रिम्स हैव टू गो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस टू रीच द श्राइन ऑफ श्री अमरनाथ जी। यहाँ पे अमरनाथ पिलग्रिम्स को किस पास के थ्रू, माउंटेन पास के थ्रू जाना पड़ता है यहाँ पे श्राइन तक पहुँचने के लिए? ऑप्शन आर बानीहाल पास, महागुना पास, रोजला पास और बारा लाचा पास। और बारा लाचाला पास का जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महागुना पास के थ्रू यहाँ पे अमरनाथ पिलग्रिम्स को जाना पड़ता है श्राइन तक पहुँचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208 क्या बताया जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट और आर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू पास इज फाउंड पीर पंजाब रेंज। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन से यहाँ पे माउंटेन पासेस नहीं पाए जाते पीर पंजाब रेंज में, आपको यहाँ पे चूज करना है जो नहीं पाए जाते हैं। तीन दिए हुए, हाजी पीर पास, पानीहाल पास और खादुलंगा पास। तो इन तीनों में से कौन पास यहाँ पे पानीहाल या पीर पंजाब रेंज में नहीं पाया जाता? तो यहाँ पे खाली खादुलंगा पास पीर पंजाब रेंज में नहीं पाया जाता, बाकी हाजी पीर पास भी पीर पंजाब रेंज में पाया जाता है और पानीहाल पास भी पीर पंजाब रेंज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209 ऑफ द सीरीज इज गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अरेंजड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, आइडेंटिफाई द ऑप्शन। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट दिए हैं इनको हमें नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अरेंज करना है। जो करेक्ट यहाँ पे जो है स्टेटमेंट या करेक्ट ऑप्शन बनेगा उसको मार्क करना है। तो सबसे पहले बताया गया है गांधरबल, अनंतनाग, रामबन, जम्मू। ऑप्शन बी जम्मू, अनंतनाग, रामबन, गांधरबल। ऑप्शन सी इज अनंतनाग, रामबन, जम्मू, गांधरबल एंड ऑप्शन डी इज गांधरबल, अनंतनाग, जम्मू और रामबन। तो सबसे पहले आपको पता है नॉर्थ में सबसे पहले गांधरबल आता है, फिर उसके साउथ डायरेक्शन में अनंतनाग आता है, उसके साउथ डायरेक्शन में रामबन आता है और एक्सट्रीम साउथ डायरेक्शन में फिर जम्मू आता है। सो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गांधरबल, अनंतनाग, रामबन एंड देन जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210 क्वेश्चन नंबर 210 ठीक है, यहाँ पे करेक्शन हुई है क्वेश्चन नंबर में। तो क्या बताया जा रहा है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन डब्ल्यू एज एशियाज लार्जेस्ट गार्डन इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबरवन माउंटेन रेंज ऑन द बैंक्स ऑफ। यहाँ पे बताया जा रहा है जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है वो एशिया की सबसे बड़ी ट्यूलिप गार्डन है जो फुट हिल्स ऑफ जबरवन माउंटेन पे लोकेटेड है, वो किस लेक के बैंक पे लोकेटेड है? आप अगर गए हो तो आपको पता होगी। ऑप्शन आर वलोर लेक, नीन लेक, डल लेक और मानसबल लेक। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डल लेक। और जो जिसने ट्यूलिप गार्डन विजिट किया वो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211 इज लाचा एंड गुची आर द फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस ऑफ कश्मीर, कश्मीरी कोजिन। तो यहाँ पे जो लाचा एंड गुची है ये बताया जा रहा है कौन से स्पाइस के फॉर्म्स है जो कश्मीरी कोजिन में इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन आर कैडमॉन, ऑप्शन बी इज सेफरॉन, ऑप्शन सी इज सिनेमॉन एंड ऑप्शन डी इज टर्मेरिक। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेफरॉन। कश्मीरी सेफरॉन के जो टाइप्स है दैट्स लाचा एंड गुची। तो इसके तीन टाइप्स है, थर्ड टाइप इसकी जो है उसको हम मोंगरा कहते हैं, ठीक, मोंगरा इसकी थर्ड टाइप है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लाचा, गुची एंड मोंगरा आर द टाइप्स ऑफ और द फॉर्म्स ऑफ सेफ्रॉन इन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212 ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2650 मीटर अबव सी लेवल एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर नेवली। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स है जो 2650 मीटर की ऊंचाई पे लोकेटेड है अबू सी लेवल, और इसको एस्टेब्लिश किया था सर नेवली ने। और यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा है, आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन आर
ऑप्शन ए जम्मू तवी गोल्फ कोर्स, ऑप्शन बी इज आर्मी द्रोवा गोल्फ कोर्स, ऑप्शन सी इज गुलमर्ग गोल्फ कोर्स एंड ऑप्शन डी इज रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुलमर्ग गोल्फ कोर्स इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2650 मीटर अबव सी लेवल। इसको एस्टेब्लिश किया था सर नेविल जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213 इज, इट इज द अमेंडेड एडिशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ ROR विच गिव्स द लिस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स एंड टेनेंसी होल्डर्स विद डिटेल ऑफ फील्ड्स रेंट पेड बाई ईच टेनेंट एंड लैंड रेवेन्यू पेड बाई ईच लैंड होल्डर, वट इज बिंग रेफर्ड। यहाँ पे बताया जा रहा है एक अमेंडेड एडिशन है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का, जो एक्चुअली में पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, जो हमें यहाँ पे डिटेल देता है लिस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स का, टेनेंसी होल्डर्स का, और रेंट्स पेड बाई ईच टेनेंट होल्डर का जो डिटेल है वो देती है, और लैंड रेवेन्यू पेड बाई ईच लैंड होल्डर वो भी हमें डिटेल देता है। तो इसे क्या कहा जाता है, वट इज बिंग रेफर्ड। ऑप्शन आर जमाबंदी, गिरदावारी, परार पटवार और मिसाहुल कुवत। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उसे जमाबंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214 ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज इज, दिस इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सीनिकली ब्यूटिफुल वाइल्ड लाइफ रिजर्व। इट इज लोकेटेड 22 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर एंड फॉर्म्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डल लेक्स कैचमेंट एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस, आपको बताना है ये मोस्ट ब्यूटिफुल, यहाँ ब्यूटिफुल वाइल्ड लाइफ रिजर्व मानी जाती है, वो 22 किलोमीटर्स है फ्रॉम श्रीनगर है, और हाफ ऑफ द डल लेक कैचमेंट इसके एरिया में आता है, इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आर दाचीगाम, क्रूग, जसोटा और हेरपोरा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दाचीगाम नेशनल पार्क और दाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215 इज, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम गवर्नर्स रूल इम्पोज्ड इन एरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले यहाँ पे गवर्नर रूल कब यहाँ पे इम्पोज किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन आर अप्रैल 1980, ऑप्शन बी इज 1977 मार्च 1977, ऑप्शन सी इज दिसंबर 1985 एंड ऑप्शन डी इज जुलाई 2000। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स मार्च 1977 में यहाँ पे सब पहली बार गवर्नर रूल इम्पोज किया गया था, तो इम्पोर्टेंट बनता है। लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ एस्वल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कैन गवर्नर्स रूल बी इम्पोज इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे कौन से सेक्शन के अंडर, जम्मू एंड कश्मीर के कौन से सेक्शन के अंडर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन के अंदर यहाँ पे गवर्नर रूल इम्पोज किया जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन आर सेक्शन 74, ऑप्शन बी इज सेक्शन 80, ऑप्शन सी इज सेक्शन 92 एंड ऑप्शन डी इज सेक्शन 98। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट ऑप्शन नंबर सी, अंडर सेक्शन 92 ऑफ द एस्वल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर रूल कैन बी इम्पोज्ड हियर। तो यहाँ पे आज का जो वीडियो है एंड हो जाता है, 216 क्वेश्चन नंबर तक हमने एंड किया इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फॉर पीडीएफ्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स जॉइन टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।